बिलारी नगर के कोतवाली परिसर में पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने ग्राम प्रधानों की बैठक लेकर ग्राम प्रधानों को अपनी पंचायत में शांति व्यवस्था बनाने के टिप्स दिए और छोटे विवादों को अपने स्तर से निपटाने का आह्वान किया और मामला गंभीर होते हुए प्रशासन का सहयोग लेने की बात कही। रविवार को आयोजित बैठक में पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता ने क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया, जिसमें 98 प्रधानों में लगभग 60 ग्राम प्रधान बैठक में पहुंचे। बैठक में इब्राहिमपुर मिर्जा के ग्राम प्रधान शमीम इदरीसी ने समस्या रखी कि ग्राम पंचायत में काम चलता है तो मिट्टी की ट्रॉलियों को पुलिस कांस्टेबल रोककर परेशान करते हैं, जिनको परेशान ना किया जाए। इसके अलावा अनेक ग्राम प्रधानों ने अपनी अपनी समस्या बताई और सभी ने कोतवाली परिसर में प्रशासन के साथ ऐसी बैठक आयोजित करते रहने का आह्वान किया। बैठक में पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता ने कहा कि सभी ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायत में शांति का माहौल पैदा करें। कोई छोटे मोटे मामले होते हैं तो वे अपने स्तर से निपटाएं, अगर कोई गंभीर मामला है तो प्रशासन का सहयोग लें। इसके अलावा कोई भी अराजक तत्व गांव में किसी भी हिंसा को बढ़ावा देता है तो पुलिस को अवगत कराएं, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर कोई भी किसी भी वर्ग या धर्म को लेकर कोई टिप्पणी ना करे, इसके प्रति अपने क्षेत्र में सभी को जागरूक करें। हमारा मूल कर्तव्य अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना है, ये तभी संभव होगा जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि सभी ग्राम प्रधान अपने मन से पाटीबंदी का शब्द निकालकर विकास कार्यों पर ध्यान दें और अपने गांव का चहुमुखी विकास करें। इसके अलावा कोतवाली प्रभारी अमित कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य रूप से रविंद्र चौधरी, आकल सैफी, मोहम्मद जीशान, सद्दाम हुसैन, वकार अहमद, अशोक यादव, संजीव चौधरी, रविंद्र चौधरी, इकरार हुसैन, बाबू अंसारी, सलीम अंसारी, मुजीब अहमद, धर्मेंद्र कुमार, माजिद हुसैन अंसारी, शमीम इदरीसी, यशवीर सिंह आदि सहित अनेक ग्राम प्रधान मौजूद रहे। संचालन व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जैन ने किया। एक दूसरे के बारे में जानना, उनकी समस्याओं को सुनना और संभव हो सके तो उसका निराकरण करना। दूसरा पर्पज ये था कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इस समय कुछ चंद लोगों की वजह से थोड़ा माहौल टेंस है, तनावपूर्ण है, तो हम उसको कैसे एक शांत माहौल, खुशहाली वाला माहौल दे सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आपको बुलाया गया था। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जो भी सार्वजनिक चीजें हैं, वो सब जनता का है, जनता के लिए है और जनता के लिए समर्पित है। ये मीटिंग हम लोगों ने कई पर्पज के लिए बुलाई है, ये शुरुआत है, ऐसा आयोजन हमेशा होता रहेगा। पहला जो मेन पर्पज था इसका, कि जब से मैंने यहाँ पे चार्ज लिया है तब से आप लोगों से मुलाकात